Yes. Good afternoon, third class. Now we start maths class. I hope you are safe and start maths class. Practice exercise 9.2 हम complete कर चुके हैं. उसमें हमने मीटर एंड सेंटीमीटर्स वाले डिजिट को ऐड किया था और इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, अब ये देखिए, क्या ज़ीरो में से 5 माइनस हो सकते हैं? नहीं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी लेंगे. यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज़ 5 और यहाँ पर क्या बच गया, 4. 4 में से 7 फिर माइनस नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे. यहाँ पर 4 रह जाएगा, 14 माइनस 7 इज़ 7 एंड 4 माइनस 3 इज़ 1. ओके, नेक्स्ट देखिए, 0 माइनस 0 0. 2 में से 8 माइनस नहीं होंगे, यहाँ पर हम कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो गया, 8, क्योंकि 1 यहाँ पर कम होता है, इसको हमने कैरी दे दी तो इसके पास 1 कम हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8. और 12 माइनस 8 क्या होते हैं, 4. 8 माइनस 5 क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3. ओके, नेक्स्ट देखिए, 8 में से 9 हमारे पास माइनस नहीं होते, हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो ये क्या हो गया, 18. 18 माइनस 9 इज आंसर 9. 1 तो इसको हमने कैरी दे दी, तो यहाँ क्या हो गया, 0. 0 में से 2 तो माइनस होते नहीं हैं, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा, 5. ये क्या हो गया, 10. 10 माइनस 2 क्या हो गए, 8. 5 में से 7 तो माइनस नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 क्या आंसर आ गया, 8. यहाँ पर क्या बच गया, 4. 4 माइनस 1 आंसर इज 3. ओके, क्या आंसर आ गया, 38 मीटर 89 सेंटीमीटर. ओके थर्ड क्लास, इसी के साथ ही आप ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप अपने नोटबुक्स में ही पढ़े रहने देना, इनको आप नोटबुक्स में नहीं करना. नोटबुक में कहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से. राइट दीज इन कॉलम्स वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट. ये हमें सब्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, इनको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और फिर इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है. ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, 14 मीटर 35 सेंटीमीटर माइनस 13 मीटर 45 सेंटीमीटर. मैंने आपको कल भी बताया था, मीटर एंड सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर वाली डिजिट के नीचे मीटर वाली डिजिट आएगी, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाले डिजिट्स आएंगे. जैसे 14 मीटर में है तो 14 यहाँ पर, 35 इधर, फिर 13 इधर, 45 इधर. अब इसको हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0. 3 में से 4 माइनस नहीं होंगे, इसको हम कैरी देंगे तो क्या हो गया, 13 माइनस 4 क्या आ गया, 9. फिर 3 माइनस 3 0 एंड 0, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 90 सेंटीमीटर. क्योंकि मीटर में तो क्या है, 0 की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 90 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट देखिए, 28 मीटर 10 सेंटीमीटर माइनस 20 मीटर 60 सेंटीमीटर. ओके, वही करेंगे हम, मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग करेंगे, मीटर के नीचे मीटर वाले डिजिट लिखेंगे और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाले डिजिट. 28, 10, 20 और इधर 60. ओके, अब इसको हमने किया माइनस. माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर. ओके थर्ड क्लास, नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ ही 70 मीटर 48 सेंटीमीटर माइनस 62 मीटर 89 सेंटीमीटर. सेम है, वही सेम पैटर्न पर आपकी ये क्वेश्चंस हैं. आपने ये इतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने मैं आपको स्टडी मटेरियल में दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप नहीं करोगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, 18 माइनस 9 क्या हो गया, 9. 30, फिर 3 तो यहाँ पे कैरी दे दी, 3 बच गया, 3 में से 8 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 13 माइनस 8 5. फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 9, क्योंकि इसको हमने कैरी दे दी थी, 9 माइनस 2 7. यहाँ क्या बच गया, 6, क्योंकि यहाँ हमने कैरी दी थी आगे, 6 माइनस 6 0. 7 मीटर 59 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द डिफरेंसेस. हमने इसमें डिफरेंस फाइंड करने हैं. ओके थर्ड क्लास, वही सेम चीज़ है, सेम पैटर्न है, मीटर एंड सेंटीमीटर लिखेंगे और इनको भी हम वर्टिकल फॉर्म में ही करेंगे. ओके, देखिए,
27 मीटर 45 सेंटीमीटर एंड 20 मीटर 75 सेंटीमीटर। वही क्या मीटर एंड सेंटीमीटर अलग अलग, मीटर के नीचे मीटर वाले डिजिट एंड सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाले डिजिट्स। ओके, अब इसको हमने सॉल्व किया तो लिखा 5 माइनस 5 0, 4 में से 7 माइनस नहीं होंगे, इसको हम कैरी देंगे तो मेरे पास क्या आंसर ऊपर हो गया 14 बन गया, 14 माइनस 7 आंसर इज 7। अब यहाँ 6 बच जाएगा, 6 माइनस 0 एज इट इज 6, 2 माइनस 2 एज इट इज 0, क्या आंसर आ गया 6 मीटर 70 सेंटीमीटर। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, 28 मीटर 9 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर 35 सेंटीमीटर, सेम पैटर्न पर है, सेम मेथड है, उसी तरह ही हमने क्वेश्चंस करने हैं जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। मीटर वाले डिजिट्स अलग, सेंटीमीटर वाले अलग, और इनको फिर माइनस करना है। माइनस करने पर मेरे पास ये आएगा आंसर, क्या आ जाएगा मेरे पास 13 मीटर 74 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। आप इसी तरह से अपने बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता इज 1 मीटर 15 सेंटीमीटर टॉल, हर ब्रदर राजन इन 95 सेंटीमीटर टॉल, हाउ मच टॉलर इज रीता देन राजन। रीता जो है वो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबी है और जो उसका भाई राजन है वो 95 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमें ये बताना है कि रीता जो है राजन से कितनी ज़्यादा लंबी है। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, रीता इज टॉल कितनी है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, हर ब्रदर राजन इज टॉल, राजन कितना है 95 सेंटीमीटर, तो फिर क्या आ जाएगा रीता इज टॉलर देन राजन, क्या आ गया 1 मीटर 15 सेंटीमीटर माइनस 95 सेंटीमीटर। ओके, मीटर एंड सेंटीमीटर आ जाएगा ऊपर हम लिखेंगे, और फिर 1 15 यहाँ पे सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर वाले डिजिट नहीं दी, जब मीटर वाले डिजिट नहीं दी होगी तो वहाँ पर क्या लगेगा 0, और उसके बाद सेंटीमीटर कहाँ लगेगा सेंटीमीटर के नीचे। ओके, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 0। अब 1 में से 9 तो माइनस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे कैरी लेंगे, कैरी लेके क्या हो जाएगा वो 11, 11 माइनस 9 कितने हो गए 2, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर। रीता जो थी राजन से कितनी लंबी थी 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा जंप 1 मीटर 5 सेंटीमीटर हाई एंड मनी जंप 95 सेंटीमीटर हाई, हु जंप हायर एंड बाय हाउ मच। राजा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर हाई लंबा कूदता है और मनी जो है 95 सेंटीमीटर हाई जंप करती है, हाई जंप करते हैं, तो बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा हाई, किसने सबसे ज़्यादा हाई जंप किया और कितना किया। देखिए, राजा जंप हाई इज इक्वल्स टू 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, मनी जंप हाई इज इक्वल्स टू 95 सेंटीमीटर, तो जंप्ड हाई किसने सबसे ज़्यादा किया 1 मीटर 5 सेंटीमीटर माइनस 95 सेंटीमीटर। वही इसमें भी हमें मीटर वाले डिजिट नहीं दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और ये मीटर एंड सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, हमने इसको माइनस किया, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको हम 0.5 लिखेंगे, अकेला 5 नहीं लिखेंगे। ओके, थर्ड क्लास, माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। किसने ज़्यादा जंप किया, राजा ने, तो क्या आ जाएगा राजा जंप्ड हाई इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट देखें, अ क्लोथ वाज 32 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, द टेलर कट 25 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लोथ आउट ऑफ इट फोर ड्रेसेस, हाउ मच क्लोथ वाज लेफ्ट। एक कपड़ा था टोटल 32 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा था, टेलर ने उसमें से 25 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा कट कर लिया ड्रेस के लिए, तो अब उसमें कितना कपड़ा बच गया हमें ये बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करेंगे, अ क्लोथ वाज लॉन्ग, कपड़ा कितना लंबा था 32 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेलर कट क्लोथ, टेलर ने कितना कट किया कपड़ा 25 मीटर 75 सेंटीमीटर, क्लोथ वाज लेफ्ट, अब कपड़ा कितना बच गया
क्या आ जाएगा, 32 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 25 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके थर्ड क्लास, अब इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है वही मीटर के नीचे मीटर वाले डिजिट और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाले डिजिट। इस और इसको आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 मीटर 45 सेंटीमीटर। ओके थर्ड क्लास, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए। अ रोल ऑफ वायर हैज़ 100 मीटर वायर, टू पीसेस 48 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड 45 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग आर कट फ्रॉम इट। हाउ मच वायर इज लेफ्ट इन द रोल। एक तार का जो रोल आता है बड़ा, उसके अंदर 100 मीटर वायर है टोटल, ठीक है, उसमें से टू पीस कट किए हैं। वन पीस कितने का है, 48 मीटर 35 सेंटीमीटर, और सेकंड पीस कितना है, 45 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग आर कट, उसमें से कट किया था, तब ये बताना है कि उस रोल में कितना वायर रह गया है, बच गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अ रोल ऑफ वायर कितना, 100 मीटर, टू पीस लॉन्ग कट वायर, टू पीस कट किए थे, अब टू पीस कट किए तो दोनों ऐड होंगे, हम 48 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 45 मीटर 80 सेंटीमीटर इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 94 मीटर 15 सेंटीमीटर। मतलब उस रोल में से कितनी वायर कट कर ली हमने, 94 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हमने बतानी कितनी वायर बच गई, द रोल ऑफ वायर इज लेफ्ट, कितनी रह गई, 100 माइनस 94 मीटर 15 सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर वही अलग करेंगे, 100, अब इसमें सेंटीमीटर वाले डिजिट नहीं है तो क्या हो जाएगी, 00। अब दूसरे में क्या है, 94 और 15, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर आ गया, इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 5 मीटर 85 सेंटीमीटर। ओके थर्ड क्लास, अब ये 17 क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में करने हैं। एंड थैंक यू।